प्रश्न नंबर एक, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? ए साइट्रिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड। प्रश्न नंबर दो, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? ए कार्यकारी प्रमुख, बी विधायक प्रमुख, सी पंचायत प्रमुख, डी नगरपालिका प्रमुख। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्यकारी प्रमुख। प्रश्न नंबर तीन, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज के स्मारक है? ए मृतकों का, बी जीवितों का, सी जानवरों का, डी ईश्वरों का। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृतकों का। प्रश्न नंबर चार, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ए बिंदुसार का, बी घनानंद का, सी अकबर का, डी बाबर का। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। प्रश्न नंबर पांच, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ए 1950 में, बी 1947 में, सी 1948 में, डी 1940 में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1950 में। प्रश्न नंबर छह, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1919 में, बी 1922 में, सी 1948 में, डी 1940 में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1919 में। प्रश्न नंबर सात, महाराणा प्रताप, बुलबुल किसे कहते थे? ए घोड़े को, बी तलवार को, सी पत्नी को, डी मंत्री को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अपने घोड़े को। प्रश्न नंबर आठ, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? ए द रियल डील, बी द इमेजिंग डील, सी द फेसिंग डील, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए द रियल डील। प्रश्न नंबर नौ, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ए मेहरगढ़, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोथल। प्रश्न नंबर 10, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? ए वास्तविक संस्थापक, बी द्वितीय संस्थापक, सी पांचवा संस्थापक, डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वास्तविक संस्थापक। दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।